अरबों ब्रह्मांडों में से एक हमारे ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज, अरबों गैलेक्सीज में से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों ग्रह और उन अरबों खरबों ग्रहों में से एक हमारी धरती पर रहने वाले कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारी धरती के अलावा और कहीं जीवन मौजूद है ही नहीं। आखिर क्यों हमारी धरती जिस यूनिवर्स में है, अगर हम सिर्फ उससे ही हमारी धरती को कंपेयर करें तो हमारी धरती इस यूनिवर्स के सामने धूल के कण के बराबर भी नहीं है। और इस यूनिवर्स में ऐसे कितने अरबों खरबों धूल के कण यानी कि ग्रह मौजूद हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन है? क्या किसी दूसरे ग्रह पर पानी नहीं हो सकता? क्या उस पानी में वही बैक्टीरिया नहीं पनप सकता? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे जब दूसरे ग्रह के जीव हमारी धरती पे आए। जैसे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं दूसरे ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के बारे में, हो सकता है दूसरे ग्रह के जीव भी कर रहे हो और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि वो यहाँ आ ही गए। जानते हैं ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बारे में और लास्ट वाला तो आपको हिला के रख देगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, बेल्जियन यूएफओ वेव। साल 1989 से 1990 के बीच बेल्जियम में 5 महीनों में 13,500 लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने किसी लार्ज साइलेंट लो फ्लाइंग ब्लैक ट्रायंगल्स को देखा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, और ये बहुत हद तक यूएफओ की तरह लग रहा है। और इतना ही नहीं, 2,600 लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट्स फाइल करा दी कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। मतलब वो लोग इतने श्योर थे कि उन्होंने लिख के दे दिया कि हाँ हमने यूएफओ को देखा है। बेल्जियम के मिलिट्री ने इसको इन्वेस्टिगेट किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों ने मीडिया के जरिए ये कहा कि वो हेलीकॉप्टर्स थे या फिर लोगों ने म्यूनिस के साथ चिप्स खा लिए थे इसलिए उनको भ्रम हो रहे थे। मतलब सीरियसली यार, 13,500 लोग सब क्या पूरा दिन चिप्स और म्यूनिस खा के ही पड़े रहते हैं? आखिर में इसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि ये क्या था, कहां से आया था, लेकिन 13,500 लोगों को एक साथ भ्रम तो नहीं हो सकता। नंबर 4, लेवरलैंड केस। 1957 में अमेरिका के एक स्टेट टेक्सास के एक छोटे से शहर लेवरलैंड में यूएफओस को देखने के बहुत से दावे होने लगे। कुछ मोटरसाइकिलिस्ट ने ये कहा कि एक एग शेप चमकती हुई चीज अचानक से उनके सामने आ गई। उस चीज के उनके सामने आते ही उनके बाइक्स के इंजन अपने आप ही बंद हो गए। जैसे वो चीज उनके सामने से चली गई, उनके बाइक्स के इंजन वापस से अपने आप ही चालू हो गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एयरफोर्स और यूएफओ सेप्टिक्स मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो सिर्फ यूएफओस के बारे में ही रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा कि जो उन मोटरसाइकिलिस्ट ने देखा था वो कोई यूएफओ नहीं बल्कि बॉल लाइटनिंग या एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म था। बॉल लाइटनिंग का मतलब एक ऐसा सर्कुलर बॉल के जैसा चमकने वाला ऑब्जेक्ट जो कि माना जाता है कि लाइटनिंग के वक्त ऑक्सीजन और सॉइल के वेपराइज्ड एलिमेंट से मिलकर के बनता है। ये बॉल लाइटनिंग भी एक मिस्ट्री है। वापस चलते हैं टॉपिक पर। यूएस एयरफोर्स और यूएफओ सेप्टिक्स के मुताबिक अगर वो बॉल लाइटनिंग या इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म था तो उन सबके बाइक्स के इंजन एक साथ बंद कैसे हो गए? क्योंकि उन सबके बाइक्स के इंजन एक साथ बंद हो जाना और वापस से एक साथ चालू हो जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो चीज असल में क्या थी ये किसी को भी पता नहीं चला। नंबर 3, जनरली जितने भी यूएफओ सेटिंग्स होते हैं वो उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो हमेशा आसमान में ही रहते हैं, जैसे कि पायलट्स। साल 2013 में नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसके मुताबिक साल 2013 में एक शाम को एक इंसान अपने पूरे परिवार के साथ टेक्सास के एथेंस में शाम का मजा ले रहा था। तभी उन्होंने ये नोटिस किया कि एक ऑरेंज कलर की चमकती हुई चीज अचानक से उनके सामने से गुजरी। उसके कुछ मिनट्स बाद 3 और वैसी चीजें उनके सामने से गुजरी और उसके 3 और मिनट बाद 2 और वैसी ही चीजें उनके सामने से गुजरी। उन चीजों के इतनी तेजी से गुजरने के बाद भी उनमें से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने आईफोन से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की लेकिन आईफोन 5 से शाम के वक्त रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था। उनके मुताबिक वो कोई सैटेलाइट या कोई एरोप्लेन नहीं था क्योंकि वो सैटेलाइट्स और एरोप्लेन से बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे थे और ना ही कोई मीटियोर्स थे क्योंकि वो मीटियोर से बहुत ज्यादा धीरे से मूव कर रहे थे। और मीटियोर्स जब हमारी धरती के एटमोस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो जलने लगते हैं और उनका ब्राइटनेस भी चेंज होने लगता है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आखिर में ना ही उस इंसान को और ना ही किसी और को ये पता चला कि वो आखिर में क्या था। नंबर 2, ऐसी ही एक और रिपोर्ट नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर में एक एयरलाइन के कैप्टन के द्वारा दर्ज कराई गई थी जो लॉस एंजलस से पोर्टलैंड के ओरिगन में अपने प्लेन के साथ जा रहे थे। तभी उनकी नजर कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता से निकल रही नीली रंग की चमकती रोशनी पर पड़ी। वो कोई तारे नहीं थे क्योंकि वो नॉर्मल तारों से बहुत ज्यादा चमकदार थे। ये भी कहा कि उन्होंने 2 रोशनी देखी जो कि 1 इंच का गैप मेंटेन किए हुई थी, लेकिन उसके 10 सेकंड के अंदर
अंदर ही उनमें से एक रोशनी बंद हो गई और ठीक उसके 10 सेकंड बाद वो दूसरी रोशनी भी बंद हो गई। दोनों रोशनी स्टेबल थी इसलिए वो कोई सैटेलाइट्स भी नहीं हो सकते। उनकी फ्लाइट बिल्कुल साफ आसमान में उड़ रही थी और उनके आसपास दूर दूर तक कोई बादल भी नहीं थे। वो लाइट सैटेलाइट की तरह वेस्ट टू ईस्ट ऑर्बिट भी नहीं कर रहे थे जैसा कि ज्यादातर सैटेलाइट्स करती है। दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शिप उन्हें छुप करके देख रही थी। वो लाइट्स उस फ्लाइट से भी बहुत ऊपर दिखाई थी। जो फ्लाइट जमीन से 38,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। जब वो कोई स्टार नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, तो आखिर था क्या वो? ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर वन, वो दिन था 21 अक्टूबर साल 1978, वक्त शाम का, जब ऑस्ट्रेलियन पायलट फ्रेडरिक वैलेंटीज बास स्ट्रेट के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो क्या थी। उन्होंने अपने रेडियो के जरिए एयर कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। एक अजीब सा जहाज जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, वो जहाज उनके प्लेन के चक्कर लगा रहा है, उनका पीछा कर रहा है। और लास्ट में उन्होंने कहा, ये उनके चारों तरफ मंडरा रहा है और ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ये कहते ही फ्रेडरिक वैलेंटीज और उनका प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो और उनका प्लेन कहां गए और कौन ले गया।